नमस्कार दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो को लेकर के बहुतों ने मुझे बोला कि क्या गलत बोला उन्होंने, भारत एक हिंदू राष्ट्र ही तो है। तो अब मैं आपको यह बता दूं कि वो वीडियो मैंने उन चंद लोगों पर बनाई थी जो बाबा के खिलाफ हैं। उन लोगों के विचार कैसे हैं उसको दर्शाया मैंने उस वीडियो में। बाकी मैं यह बता दूं कि मैं खुद एक सच्चा सनातनी हूं और बागेश्वर धाम सरकार का भक्त हूं। तो जैसा कि अब बागेश्वर धाम सरकार इतने प्रसिद्ध हो रहे हैं तो असादुद्दीन ओवैसी कैसे चुप रह सकते हैं, तो उसने बोल दिया उनके विरोध में। अब आप लोगों को मेरी पिछली वीडियो से इतना तो पता लग ही गया होगा कि बाबा के विरोधी उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो ओवैसी भाई साहब ने बागेश्वर सरकार की उस वीडियो के बारे में कहा जिसमें उन्होंने हिंदू राष्ट्र, हिंदू एकता तथा हथियार और बुलडोजर की बात की थी। तो ओवैसी ने कहा कि बागेश्वर सरकार इन लोगों को धमका और डरा रहे हैं, सरकार को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप देश को हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकते हैं, अम्बेडकर के संविधान को जला देंगे क्या आप। लेकिन ये सब सुन करके एक हिंदू शेर चुप थोड़े ना रहेगा। अब सुनिए बागेश्वर धाम सरकार ने क्या कहा। उन्होंने हमें अभी जाना नहीं है, अभी हमें उन्होंने समझा नहीं है, सिर्फ अभी उन्होंने सिर्फ टीवी पर देखा है। दिखने में छोटे हैं पर उनके लिए बहुत खोटे हैं। अब सवाल यह भी है कि संविधान से चलने वाला देश हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। तो अब वो सुनिए। हमारा सनातन इतना व्यापक, इतना विशाल है कि हमने सभी पंथों का स्वागत किया है। सभी पंथ और सभी विभिन्न रंग, विभिन्न भाषा, विभिन्न संप्रदाय को हमने स्वागत किया है। और यह सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, विश्व में मंगल हो, ये कामना करता है। तो हम कैसे किसी का बुरा चाहेंगे। हमें किसी भी मुसलमान भाइयों से, ईसाई भाइयों से कोई दिक्कत नहीं, बस हम अपने धर्म के कट्टर हैं, इसे कोई रोक नहीं सकता है। रही बात भारत हिंदू राष्ट्र की, था, है, रहेगा, घोषणा बाकी है। एक और भाई साहब को मिर्ची लगी क्योंकि अनूप जलोटा जी ने बागेश्वर धाम सरकार के सपोर्ट में बोला। अब उन भाई साहब ने क्या बोला वो सुनिए। बड़े अफसोस की बात है कि अनूप जलोटा जैसे एक जिम्मेदार इंसान, उनको ये नहीं मालूम कि ये हिंदुस्तान संविधान से चलता है, कायदे और कानून से चलता है। हमको ये कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि हमारा देश कानून से चलता है, देश में कानून है, देश में लाकानूनियत नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।